17 जनवरी से शुरू होने वाले लखनऊ महोत्सव स्थगित हो गया है। लखनऊ महोत्सव को लेकर प्रशासनिक अमले ने पोस्टर भी जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने आयोजन स्थगित करने का फरमान जारी कर दिया। इसके पीछे कोई ठोस दलील की जगह सिर्फ युवा उत्सव और डिफेंस एक्सपो की तैयारियों को फुलप्रूफ बनाने के कारण बताया गया है। तो लखनऊ महोत्सव की नई तिथि का ऐलान अब 9 फरवरी को डिफेंस एक्सपो के समापन के बाद होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महोत्सव की तैयारी, लखनऊ महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी, लेकिन इस बीच कई और महोत्सव पड़ रहे हैं जिनको लेकर आखिरकार यहां पर लखनऊ महोत्सव को स्थगित करना पड़ा है। 17 जनवरी को दरअसल आपको बता दें कि महोत्सव होने वाला था, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव किया गया है और कहा जा रहा है कि 9 फरवरी को अब ये लखनऊ महोत्सव किया जाएगा। तो आयोजन स्थगित क्यों किया गया है, इसको लेकर वजह ये कि युवा उत्सव है और फिर डिफेंस एक्सपो भी है, जिसको पहली बार आयोजन करने का मौका लखनऊ को यहां पर दिया जा रहा है। तो ऐसे में उसकी कई तैयारियां हैं और उन तैयारियों को पूरा करने के लिए वक्त काफी लग सकता है, और ऐसे में इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब जो लखनऊ महोत्सव है उसकी तिथि यहां पर बदल दी गई है, और डिफेंस एक्सपो जब यहां पर खत्म होगा 9 फरवरी को, फिर डिफेंस एक्सपो के समापन के बाद कहा जा रहा है कि लखनऊ महोत्सव किया जाएगा।